नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए, डिलीवरी बुक एक्ट। डिलीवरी बुक एक्ट ये कब पारित किया गया दोस्तों? तो ये डिलीवरी बुक एक्ट 1954 में पारित किया गया। तो ये डिलीवरी बुक एक्ट है क्या दोस्तों? तो डिलीवरी बुक एक्ट हम देखते हैं, डिलीवरी बुक एक्ट यह एक ऐसा अधिनियम है। क्या यह एक ऐसा अधिनियम है जिसके तहत भारत में प्रकाशित किसी भी प्रकाशक की 4 प्रतियां डेपोसिटरी पुस्तकालय में भेजने का क्या है दोस्तों, प्रावधान किया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं कि दोस्तों जो 4 डेपोसिटरी पुस्तकालय है वो कौन कौन से हैं। तो 4 डेपोसिटरी पुस्तकालय हैं दोस्तों, वो हैं नहीं, पहला तो है एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, 1804 में इसकी स्थापना की गई। इसके बाद में दूसरा पुस्तकालय है कोनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, जिसमें जिसकी स्थापना कब की गई, 1890 में इसकी स्थापना की गई। अगला है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय, जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है जो कोलकाता में स्थापित है, 1948 में इसको राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया। इसके बाद में अगली डेपोसिटरी लाइब्रेरी कौन सी है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कब यानी किसके द्वारा बनाई गई? तो दोस्तों ये यूनेस्को के द्वारा 27 अक्टूबर 1951 को इसकी स्थापना की गई। आगे दे रखा है कि डेपोसिटरी पुस्तकालय का दर्जा यानी कि एशियाटिक सोसाइटी मुंबई को डेपोसिटरी पुस्तकालय का दर्जा कब दिया गया? तो वो कब दिया गया, 1955 में। इसी प्रकार कोनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को डेपोसिटरी का दर्जा कब दिया गया? तो वो दिया गया 1955 में दोस्तों। इसके साथ साथ ही दे रखा कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को डेपोसिटरी का दर्जा कब दिया गया? तो ये भी दोस्तों 1955 में दिया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी वीडियो में हम आगे दोस्तों क्वेश्चन की भी इसी PDF है इसी के साथ जोड़े हुए हैं दोस्तों, जो आप उनके क्वेश्चनों को भी यानी वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके यानी कि क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे दोस्तों इस टॉपिक के। आगे वाला ये दे रखा कि डेपोसिटरी पुस्तकालय यानी कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है उसको डेपोसिटरी पुस्तकालय का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों आपको ये खासकर ध्यान रखना है, कब दिया गया, 1982 में उसे डेपोसिटरी पुस्तकालय का दर्जा दिया गया। इससे बाद में दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि यानी कि डिलीवरी बुक एक्ट 1954 क्या है दोस्तों। तो भारत में कोई भी प्रकाशक इन 4 डेपोसिटरी पुस्तकालय में पुस्तकें या पत्रिका भेजने के अधिकतम समय सीमायुक्त 30 दिन की निर्धारित की गई। ये भारत में जब कोई भी प्रकाशक अपनी यानी पुस्तक या पत्र पत्रिका कुछ भी यानी कि लिखता है या वो प्रकाशित करता है, तो सबसे पहले उसकी जो 4 प्रतियां होती हैं दोस्तों, वो 4 डेपोसिटरी पुस्तकालय में भेजने की एक समय है कितने दिन की दोस्तों, तो 30 दिन की निर्धारित की गई है। आगे दे रखा है कि डिलीवरी बुक एक्ट 1954 में यानी कि 1954 में संशोधन। तो दोस्तों जो 1954 में संशोधन कब किया गया? तो वो किया गया 1956 में। कब किया गया दोस्तों? 1956 में डिलीवरी बुक एक्ट 1954 को 56 में संशोधित किया गया। और इसके साथ साथ ही किया गया, इसमें पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र को जोड़ा गया। किसको? पत्र पत्रिकाएं और दोस्तों समाचार पत्र को डिलीवरी बुक एक्ट 1954 में जोड़ा गया। इसके बाद में अगले लाइन में दे रखा है कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के तहत जो प्रतियां राष्ट्रीय पुस्तकालय में आती है उनकी ग्रंथ सूची का प्रकाशन, जो यानी कि जो प्रतियां या जो लेखक की पुस्तकें जो डिलीवरी बुक एक्ट 1954 के तहत जो राष्ट्रीय पुस्तकालय में आती है उन पुस्तकालयों को जो प्रकाशन है वो किस उस पुस्तकों का प्रकाशन करने का दायित्व तो किसका होता है? तो होता है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता 1948 का। क्या होता है दोस्तों? उनको प्रकाशन करने का दायित्व होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम कि यानी कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में 3 पुस्तकालयों को डिपोजिटरी का दर्जा कब दिया गया दोस्तों? तो वो 19 यानी कि जो 3 पुस्तकालय हैं उनको डेपोसिटरी का दर्जा एक साथ दे दिया गया था। कब? 1955 में। लेकिन दोस्तों आगे बात करते हैं तो ये अगली लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि ये नोट आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ही दे रखा कि परंतु 1982 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को डेपोसिटरी घोषित किया गया, यानी कि 3 लाइब्रेरी को पहले डेपोसिटरी घोषित किया गया दोस्तों और एक यानी कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को बाद में घोषित किया गया दोस्तों। अब हम आगे जो इसके यानी कि डिलीवरी बुक एक्ट के रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप कि 4 डेपोसिटरी पुस्तकालय में शामिल नहीं है, यानी कि ये कहाँ से पूछे? 4 जो डेपोसिटरी पुस्तकालय हैं हम ऊपर यानी उनकी बात करके आए हैं, उनमें कौन सा पुस्तकालय यानी इनमें शामिल नहीं है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि
भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता 1948, ये तो दोस्तों डेपोसिटरी पुस्तकालय में शामिल है दोस्तों। इसमें यानी कि ये टिक लगाया हुआ है, लेकिन दोस्तों ये पहले से मेरा यानी बुक में पढ़ा हुआ था, इसलिए दोस्तों मैंने इसको पीडीएफ में जोड़ दिया है। अगला जो है वो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1982, तो अभी इसकी बात करके हैं दोस्तों। और डी ऑप्शन है वो भी एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, कब दोस्तों 1804 में इसकी स्थापना हुई, और इसको पहले एक नाम से और जानते थे दोस्तों, लाइब्रेरी लिटरेटरी के नाम से जानते थे दोस्तों इसको, लाइब्रेरी लिटरेटरी आप दोस्तों लिख सकते हैं, यानी कि लाइब्रेरी लिटरेटरी के नाम से इसको जानते थे। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मेडिकल लाइब्रेरी दोस्तों। इसका ये मेडिकल लाइब्रेरी क्या है, डेपोसिटरी लाइब्रेरी नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 किस वर्ष न्यूज़पेपर को जोड़ा गया। तो हम दोस्तों ऊपर बात कर चुके हैं कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में 1956 में संशोधित किया गया, और संशोधन में क्या किया गया दोस्तों, उसमें पत्र पत्रिकाएं यानी कि पत्र पत्रिकाएं इसके साथ साथ ही उनको न्यूज़पेपर्स को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया दोस्तों, जो पत्र पत्रिकाएं और न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिका और न्यूज़पेपर को कब जोड़ा गया, 1956 में जोड़ा गया प्रथम संशोधन। इसके साथ साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में 1954 के लीगल डेपोसिटी अधिनियम का प्राधिकार डेढ़ संख्याओं की सार्वजनिक ग्रंथालयों की संख्या है दोस्तों। ये क्वेश्चन कब आया दोस्तों, तो इसरो 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन पुटअप हुआ दोस्तों। इसके साथ साथ ही इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सार्वजनिक ग्रंथालयों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो वो है 4, यानी कि डिपोजिटरी लाइब्रेरी अधिनियम के तहत कितने सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, 4 पुस्तकालय हैं, और 4 ही प्रतियाँ भेजनी पड़ती हैं दोस्तों। कितने दिन में, अधिकतम समय सीमा कितनी होती है, 30 दिन होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कानून के द्वारा प्रत्येक प्रकाशक की कुल प्रतियाँ, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कानून के तहत प्रत्येक प्रकाशक की कुल प्रतियां राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजना प्रकाशकों के लिए अनिवार्य कर दिया गई है, किस वर्ष पारित किया गया। तो किस वर्ष पारित किया गया, तो 1954 में दोस्तों ये एक्ट पारित किया गया, और 1956 में इसमें संशोधन कर दिया गया था प्रथम बार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन यानी कि आया हुआ है एग्जाम में, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किस वर्ष डेपोसिटरी लाइब्रेरी को घोषित किया गया। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट वो नोट में बताया भी था आपको कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को डेपोसिटरी लाइब्रेरी कब घोषित कर दिया गया, 1982 में दोस्तों ये घोषित कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो अगले वाला क्वेश्चन 2018 राजस्थान विश्वविद्यालय जो राजस्थान विश्वविद्यालय में जो एग्जाम हुई थी 2018 में, उसका है दोस्तों ये लाइब्रेरियन की, उसमें दे रखा है कि पुस्तक का वितरण अधिनियम वर्ष में पारित हुआ दोस्तों। इसको यानी कि आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आसानी से हो जाता है, लेकिन आप देखते हैं कि पुस्तक का वितरण अधिनियम, तो ये दोस्तों वही है कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब पारित किया गया दोस्तों, तो ये कब पारित किया गया, 1954 में ये एक्ट पारित किया गया दोस्तों। आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इससे हमें यानी कि हम मोटिवेट होंगे तो आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो यानी कि इससे रिलेटेड जो भी लाइब्रेरी मैटर से रिलेटेड वीडियो हैं वो आपके लिए यूट्यूब पे लाते रहेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ ही दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आगे क्वेश्चन यानी कि है नहीं, तो इतने क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। इसके साथ साथ ही आप इन क्वेश्चन से जान सकते हैं कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट दोस्तों एक से डेढ़ पेज का पूरा है दोस्तों, और इसके साथ साथ ही हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना रहती है दोस्तों। तो ओके दोस्तों, आप हमारे चैनल को राकेश बलौदा झुंझुनू को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। इसके साथ साथ इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसके साथ साथ ही हम यानी कि आपके लिए आगे भी बहुत सारी वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों जो लाइब्रेरी से रिलेटेड होते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।